स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। संगठन की सेवा के लिए सक्रिय और समर्पित हैं एक एक कार्यकर्ता विष्णुदत्त शर्मा। जिला भाजपा की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने की समर्पण निधि अभियान की समीक्षा। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में समर्पण और सक्रियता के साथ संगठन की सेवा के दायित्व को पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। समर्पण निधि अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य सिर्फ निधि संग्रह नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों से संपर्क जोड़ना है। आमजन से सहयोग लेकर पार्टी को संचालित करना सिर्फ भाजपा का सिद्धांत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने गुरुवार को कटनी में भाजपा की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि बूथ विस्तारक योजना जब प्रारंभ हुई थी तब इसे लेकर कई तरह की शंकाएं विभिन्न राजनीतिक दलों ने जताई थी, लेकिन हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने इस महाअभियान को पूरे मनोयोग से पूर्ण किया है। आज एक एक बूथ का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हमारा संपर्क बूथ स्तर तक है और ये एक उपलब्धि है। इसी तरह समर्पण निधि संग्रह अभियान के लक्ष्य को भी हम पूर्ण करेंगे। शर्मा ने कहा कि ये कोई नया अभियान नहीं है बल्कि आजीवन सहयोग निधि के माध्यम से हम पार्टी के प्रति अपने दायित्वों को वर्षों से निभा रहे हैं। दीपक भरती की रिपोर्ट। कटनी प्रवास विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा इस वर्ष का संगठन पर्व के अभियान में जो बूथ विस्तारक योजना प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में और हर बूथ को डिजिटल बनाने का हमारा अभियान था, वो एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने सफलतापूर्वक किया और इतिहास बना। उसी प्रकार से हम समर्पण निधि का हमारा अभियान अभी चल रहा है। अभियान 11 तारीख से शुरू हुआ है लेकिन 1 तारीख से 15 तारीख तक इस अभियान को हमने व्यापक तौर पर लिया है। हर समाज के अपने सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर और जो भारतीय जनता पार्टी के सिंपेथाइजर हैं, हम सब लोग मिलकर के समर्पण के अभियान को भी ऐतिहासिक बनाएंगे। अधिकांश कार्यकर्ताओं तक पहुंचना और अधिकांश उन समाज के सेगमेंट के लोगों तक जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंपेथाइजर हैं उनके पास जाना, ये प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी।